Hey guys, welcome back to my channel that is Concept Clear Center, where all concepts are crystal clear. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले IDA International Development Association होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। अभी करंटली इसके 174 कंट्रीज मेंबर्स हैं। IDA पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो कि हेल्प करता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को। कैसे? लोन देके, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है वो काफ़ी कम होता है या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। इसे हम क्रेडिट्स भी कह सकते हैं। लोन के अलावा IDA ग्रांट्स भी देता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लोन क्या होता है? लोन हमें वापस करना होता है, लेकिन ग्रांट्स में क्या होता है, कोई हमें अगर ग्रांट्स देता, पैसे देता है, तो हमें उसे वापस करने की जरूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं IDA के, IDA को क्यों इस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट, जैसा हमने डिस्कस करा, प्रोवाइड करना फाइनेंस, लोन देना इजी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर लेस डेवलप्ड कंट्रीज को। बेसिकली जो कंट्रीज होती हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट आती है अंडर डेवलप्ड कंट्री, सेकंड आती है डेवलपिंग कंट्री और थर्ड आती है डेवलप्ड कंट्री। तो ये जो होती है लेस डेवलप्ड कंट्री, उनको प्रोवाइड करता है लोन्स, ओके, इजी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर। सेकंड, मदद करना जो गरीबी होती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में या पुअरेस्ट कंट्रीज होती हैं, उनमें जो गरीबी होती है उनको कम करने में मदद करना। थर्ड, लोन प्रोवाइड करना बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि जो इकोनॉमिक के अंदर डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स होता है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत कम है। फोर्थ, जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, इन सबको एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट सर्विसेज से हमारा मतलब होता है ऐसी सर्विसेज जो पूरी देश के लिए होते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।